नगर निगम द्वारा अस्थायी रूप से रहने वाले रहवासियों को अलग अलग कॉलोनियों में शिफ्ट किया गया था और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आवास पूरी तरह से मुफ्त होगा, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं देनी होगी। लेकिन गोरैया घाट में स्थितियां इसके उलट दिख रही हैं। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमें घंटा घर से गोरैया घाट स्थलों पर यह कहकर शिफ्ट किया गया था कि हमें किसी भी प्रकार की राशि का कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन अब नगर निगम द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। वहीं उन्होंने बदतर हुई सफाई व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, वहीं रोजगार भी मुहैया कराने में नगर निगम असफल दिखाई दे रहा है। नगर निगम हम लोग को ये दिया है, अब यहाँ ना काम है ना धंधा, और पैसे की मांग करता है, पैसा दो नहीं तो खाली करो। अच्छा। जो कोई नगद पैसा देगा उसको हम देंगे। अच्छा। मजदूरी करने तो हम लोग के घर द्वार तोड़े, आगे वालों को तो देखो जमीन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और हम लोग से 1,20,000 और मकानों में कोई दम नहीं है, और पानी यहाँ का ऐसा बिल्कुल चूना, बीमारी पड़ रही है। कम से कम 1 दर्जन लोग हमारे यहाँ के मरेगा, 1 दिन 2 दिन के अंदर ऐसे मर रहे हैं। साल में 2-3 लोग हमारे यहाँ के मर जाते हैं। नगर निगम को कोई चिंता नहीं, बस पैसा दो। अस्पताल खोले हैं नाम को, कोई नहीं आता। इतना बड़ा कोरोना का वो निकल गया, कोई एक तो गोली देने नहीं आए, ना पूछने आए कि तुम भूखे मर रहे हो कि प्यासे मर रहे, बस पैसा दो। खाने जाओ तो वो कहते हैं ये बिल्डिंग बदनाम है, हम नहीं जाएंगे, पीली बिल्डिंग बदनाम है, बोलते कि नहीं आएंगे, हम बहुत गंदे लोग रहे। पहले लोगों ने मकान हम लोग को दिए, कहते हम आपको मकान दे रहे हैं, वहाँ रहो, आपको परेशानी नहीं। अब 5 साल हुए हम लोग आके इधर पर, अब पैसा हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अच्छा। पैसा दो नहीं तो खाली करो। पानी की परेशानी थी, पानी भरो सफेद सफेद ऊपर से तलर जम जाए, कचरा बहुत गंदा पानी आ रहा है, ना झाड़ू लगती महीने 2-2 महीने, ना नाली साफ होगी, कुछ व्यवस्था नहीं, पानी बिल्कुल खराब। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।